आइए फ्रेंड्स, अब हम अंत में समझते हैं डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग एक ग्राफ के माध्यम से। ये एक ग्राफ नहीं है, एक्चुअली ये एक टेबल सॉर्ट ऑफ थिंग है। इसमें देखिए इन और आउट लिखा हुआ है। इन का मतलब है कि कंपनी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। देखिए तीन चीज़ें आ रही हैं, गुड्स, सर्विसेज, एसेट्स। और देखिए जो सप्लाई कर रहे हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो जो जो चीज़ें कंपनी के अंदर आ रही हैं उन सबको डेबिट करना है और जो सप्लाई कर रहा है उसको क्रेडिट करना है। उसी तरह आउट से देखिए आप, जो गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स कंपनी से बाहर जा रहे हैं उन सबको आपको क्रेडिट कर देना है और जो कंपनी या व्यक्ति उसको पा रहा है, उसको रिसीव कर रहा है, उन सबको डेबिट कर देना है। इन का मतलब डेबिट है और आउट का मतलब क्रेडिट है। जो दे रहा है, जो गिवर है वो क्रेडिट है और जो ले रहा है रिसीवर वो डेबिट है।